फाइनली मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, और ये बड़ी खुशखबरी आई है मिकी ऑथर की जानब से और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जानब से। लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक अब मोहम्मद आमिर, मिसबा उल हक, वकार यूनस और रमीज़ राजा की वजह से टीम से बाहर है। मिकी ऑथर जब 2017 में चैम्पियन ट्रॉफी में हेड कोच थे, तब उन्होंने मोहम्मद आमिर को मुसलसल चांसेस दिए थे, और बाद में जब वो श्रीलंकन टीम के हेड कोच बने थे तब भी उन्होंने कहा था कि आमिर की ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम को, सो आमिर को शामिल करना चाहिए। सो आज भी वो बाबर आजम और मोहम्मद आमिर को इक्वली सपोर्ट करते हैं, यानी बाबर आजम को जितना सपोर्ट करते हैं मिकी ऑथर, उतने ही मोहम्मद आमिर को भी सपोर्ट करते हैं। और ये तमाम फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आमिर आप पाकिस्तानी टीम में आपको बहुत जल्द नज़र आने वाले हैं, और उसकी वजह भी ये है कि पाकिस्तानी टीम में इस वक्त कोई एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर नहीं है, और मिकी ऑथर को एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, और वो आमिर हैं। थैंक्स।